हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आरएस मैथ्स क्लासेस में। मैं राहुल सिंह आपके लिए जो है कुछ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं उनके कुछ फॉर्मूले लेके आया हूँ। तो इन्हें जो है आप अच्छे से याद कर लेना। और ये जो क्लास है इसके बाद, ये बेसिक कराने के बाद, फॉर्मूलेस कराने के बाद आपको जो है कल जो है क्वेश्चंस की, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी जो क्लास है वो कल प्रोवाइड करा दी जाएगी। और ऐसे ही आप जो है अच्छे से रेस्पॉन्स देते हो तो देखिए ऐसे ही जो पूरा कोर्स है आपका मैथ का वो पूरा कोर्स करा दिया जाएगा। यानी अभी मैं यहाँ विदाउट फेस ले रहा हूँ क्लासेस। इसके बाद आपका जो रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं जो है बोर्ड पर क्लासेस ले लूंगा आपकी जो है। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी यार मोटिवेट कर सको। आप जो है आप लोग क्या करते हो कि क्लासेस देखते हो थोड़ी और उसके बाद स्किप करके चले जाते हो और देखते भी नहीं हो और शेयर भी नहीं करते हो। तो देखिए आप लोग जब आप हम लोगों को सपोर्ट नहीं करोगे तो हम आपके लिए अच्छा कंटेंट कहाँ से ला पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हम भी आपके लिए जो है मेहनत कर सकें और अच्छा सा अच्छा कंटेंट ला सकें आपके लिए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें जो है शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को जो है इसका बेनिफिट हो सके। और देखिए ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के जो मैं फॉर्मूले करा रहा हूँ ये आपको इसी चैप्टर में हेल्पफुल नहीं, बल्कि आगे आप जैसे डिफरेंशियन करते हो या इंटीग्रल करते हो, अवकलन या समाकलन, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे ये जो है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसे शेयर करो ताकि उन लोगों के पास भी, उन स्टूडेंट्स के पास भी पहुंच सके जो आपके फ्रेंड्स लोग हैं, ठीक है। तो देखिए हम फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। जैसे बता देता हूं मैं, बिल्ला रो रहा है। देखो जैसे यहां है आपके फलन फंक्शन, ठीक है। यहां आपको डोमेन है और यहाँ आपकी रेंज है। वो जो रेंज है वो फलन किस रेंज में जो है लाई करता है वो रेंज है, ठीक है। जैसे फर्स्ट फंक्शन है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये इसकी जो डोमेन होती है वो -1 to 1 होती है, -1 to 1। और जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है, ठीक है। π/2 से π/2, -π/2 से, ठीक है। जैसे सेकंड फंक्शन है आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो इसकी जो रेंज होती है आपकी वो क्या होती है, देखिए -1 से 1 रेंज होती है। कितनी होती है, -1 से 1 आपकी रेंज होती है। और जो ये परिसर है इसकी जो रेंज डोमेन जो होती है, ये डोमेन कितनी होती है, -1 से 1। और ये जो रेंज होती है इसकी, जिस रेंज में ये लाई करता है वो होती है आपकी 0 से π। कितनी होती है, 0 से π, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है आपका फंक्शन जो है y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, क्या है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, तो इसकी जो डोमेन होती है याद रखना ये -∞ से +∞ होती है। और इसकी जो रेंज होती है 0 से π होती है, 0 से π होती है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट जो फलन है वो आपका वो है वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो याद रखना है इसकी जो डोमेन होती है -∞ से ∞ ही होती है। और जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π। इन्हें याद कर लेना, ठीक है। याद करने के लिए ये पॉइंट है, इन्हें काफी डिटेल में नहीं बताना चाहता, अभी आपके पास इतना भी टाइम नहीं है। इनकी जो डिटेल है बहुत ज्यादा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है आपका वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, इसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, या तो होती है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर एक्स इज लेस देन -1, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से π, क्या होती है रेंज, 0 से π। इसमें क्या होता है, एक कंडीशन होती है आपकी वाई इज नॉट इक्वल टू π/2, वाई इज नॉट इक्वल टू π/2, ठीक है। और लास्ट है आपका वाई इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, तो इसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, सेम सेक इनवर्स की होती है, वही इसकी होती है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। और जो रेंज होती है, जिस रेंज में ये लाई करता है वो होती है -π/2 से
π/2, और ये जो होती है आपकी y इज नॉट इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। इन्हें अच्छे से याद कर लेना। अब देखो कुछ थ्योरम्स आती हैं त्रिकोणमिति के, जो फलन होते हैं उनके जो प्रगुण होते हैं, जो थ्योरम्स होती हैं वो थ्योरम्स देख लो। जैसे फर्स्ट थ्योरम है आपकी कि साइन इनवर्स साइन एक्स, ये जो होता है आपका एक्स के इक्वल होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स बोल दो या कॉस इनवर्स कॉस एक्स बोल दो, ये एक्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? एक्स के इक्वल। टेन इनवर्स टेन एक्स बोल दो, टेन इनवर्स टेन एक्स, ये किसके इक्वल होता है? एक्स के। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ये भी एक्स के इक्वल होगा। ऐसे भी बोल सकते हो कॉस इनवर्स कॉस एक्स या कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ये भी किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल है। ऐसे आप जो त्रिकोणमितीय फलन के रेशियो, जो सारे रेशियो होते हैं उनको आप ऐसे ही कर सकते हो। जैसे टेन इनवर्स टेन एक्स है वो किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल, ठीक है। और देखिए आपकी जो है आगे थ्योरम्स आती हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आपका जो होता है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स होता है। साइन इनवर्स एक्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स, ठीक है। ऐसे ही थ्योरम होती है आपकी कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स वन अपॉन एक्स होता है। ऐसे ही जैसे कोसेक इनवर्स एक्स बोल दो तो ये होता है साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स, ठीक है। ऐसे ही आपका जो टेन इनवर्स एक्स होता है वो होता है कॉट इनवर्स वन अपॉन एक्स। आप बोल सकते हो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, ये थ्योरम्स हैं कुछ, इन्हें याद कर लेना अच्छे से। आप जो है ऐसे भी बोल सकते हो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है कि सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स होता है, ठीक है। इन्हें एक बार देख लेना अच्छे से। अब देखो आगे कुछ इंपोर्टेंट थ्योरम्स हैं, इन पर जो है आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। 2 नंबर में हो या 1 नंबर में हो या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाए, और 100% श्योरली एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इस थ्योरम पर। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। जैसे नेक्स्ट है आपका कॉस इनवर्स, चलो इन्हें बाद में लूंगा मैं। जैसे नेक्स्ट है आपका टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। अब देखो इन्हें याद कर लेना, इस इन थ्योरम्स पर आपका जो है क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा 101%। जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, क्या है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स है। ब्लर हो रहा है क्या? कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, ये जो है आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। जैसे क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन क्या है कि कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, तो आप क्या बोलोगे कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा, और एक्स क्या आपका 1/2। अच्छा कॉस में जो है 1/2 कितने की वैल्यू होती है भाई? कॉस में 1/2 आप बोलोगे कॉस 60 की वैल्यू होती है, जिसे आप बोल सकते हो कॉस पाई वाई थ्री। कॉस से कॉस कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये आप ये बोल देते हो कट गया, ये कटता नहीं है, कंपेयर हो जाता है, तो पाई माइनस पाई वाई थ्री क्या आ जाएगा? 2π/3, ठीक है। ऐसे ही आपको देखो एक फॉर्मूला ये होता है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो भी आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। और आगे आपका सेक इनवर्स
माइनस एक्स जो होता है वो आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। इन फॉर्मूलों को जो है अच्छे से लर्न कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अब देखो आगे कुछ फॉर्मूले हैं, इन पर जो है आपके अवकलन समाकलन या फिर जैसे और भी कई चैप्टर हैं उनमें बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे आपको बोल दूं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा आपका पाई बाई टू। क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। जैसे पेन दूसरी ले लेता हूं मैं, जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये भी आपका पाई बाई टू होता है, ठीक है। ये भी आपका पाई बाई टू होता है। जैसे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये भी आपका पाई बाई टू ही होगा, ठीक है। अब देखो आगे कुछ फॉर्मूलेज हैं उन्हें आप लर्न कर लेना। जैसे आगे फॉर्मूला है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये क्या होगा? तो याद रखना ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन वन माइनस टेन इनवर्स, सॉरी 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 ये नहीं होता, ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन, ये मैं शॉर्टकट बनाने के चक्कर में, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। और ये याद रखना ये कब होता है? ये तब होता है जब एक्स वाई जो इसका जो मल्टीपल होता है वो लेस देन वन होता है, एक्स वाई का मल्टीपल लेस देन वन होता है। अच्छा ये बोलोगे कि एक्स वाई का मल्टीपल लेस देन वन होता है तब ये फॉर्मूला होता है, तो ये बताओ कि एक्स वाई का मल्टीपल ग्रेटर देन वन हो तब क्या होगा फॉर्मूला? तो याद रखना इसका जो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस पाई होगा, ठीक है, माइनस पाई। तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। और कब कब है कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है मल्टीपल वो क्या है? एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन वन है, और जब एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन वन है तो ये होगा। अच्छा इसमें यही पूछ ले कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप जहां प्लस है वहां माइनस लगा दो, जहाँ माइनस है वहां प्लस लगा दो, सेम वही होगा, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई हो जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई माइनस पाई हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। आगे आपका फॉर्मूला आता है कि सर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला याद रखना टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब देखो आगे फॉर्मूला आता है आपका कि सर ये फॉर्मूला बता दो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखना ये होता है आपका कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स एक्स वाई माइनस वन वाई वन अपॉन वाई प्लस एक्स, ठीक है। और इसमें आपको जो है माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, जैसे कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ माइनस वाला लगाना है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो आगे फॉर्मूले देखो, ये फॉर्मूले लर्न कर लेना मेरे भाई, ठीक है। आपको जो है टाइम नहीं लगेगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।
तो ये फॉर्मूले लर्न कर लेना अच्छे से। जैसे अगला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और देखो जैसे आपको पूछे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, तो यहाँ आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। याद रखना, ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस होगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे आपका फॉर्मूला होता है, तो सिर्फ ये फॉर्मूला बता दो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखना, ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब पूछ ले किस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का, तो यहाँ क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, जहां माइनस है वहां प्लस कर दोगे, ठीक है। अब देखो आगे फॉर्मूले आते हैं आपके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आता है, टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स टू एक्स, साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे आगे फॉर्मूला आता है आपका टू कॉस इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। आगे फॉर्मूला आता है आपका टू टेन इनवर्स एक्स, तो याद रखना ये फॉर्मूला होता है आपका टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे फॉर्मूला है आपका टू कॉट इनवर्स एक्स, तो ये फॉर्मूला याद रखना कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखो दो फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, उन्हें और याद करना। जैसे टू टेन इनवर्स एक्स के दो फॉर्मूले और हैं, टू टेन इनवर्स एक्स के, एक तो साइन के पदों में होता है साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा, ठीक है। और अगला फॉर्मूला है आपका टू टेन इनवर्स एक्स का ही कॉस के पदों में, ये होता है कॉस इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस कॉस इनवर्स सॉरी वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस के पदों में निकाले ना, तो याद रखना ये होता है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना अच्छे से, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और देखो आगे फॉर्मूले भी हैं, आगे जैसे आपका कोई फॉर्मूला बनता है थ्री साइन इनवर्स एक्स, थ्री साइन इनवर्स एक्स, तो ये फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू, माइनस फोर एक्स क्यू, ठीक है। अगला फॉर्मूला आपका थ्री कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है आपका कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स। अगला फॉर्मूला है, अगला फॉर्मूला है आपका थ्री टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले अच्छे से याद करना,
और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके आगे जाके, जो है आप समाकलन या अवकलन करते हो तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और ये जो क्लास है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है। इनकी जो, यदि आप जो है इस क्लास को सपोर्ट करते हो तो बहुत जल्द ही आपका जो आगे चैप्टर्स हैं उनका जो बेस है, बेसिक है, वो सब कुछ करा दिया जाएगा। और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे इसका बेसिक करा दिया गया है तो उससे, इसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद आव्यूह सारणिक, अवकलन, अवकलन के जो अनुप्रयोग हैं और समाकलन वगैरह सब कुछ जो है कराया जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।